past perfect continuous tense is used to indicate an action that occurred before a certain point of time in the past, had continued up to that moment, and was still in progress at that moment. ऐसे एक्शन इससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम जो पास्ट टेंस में शुरू होकर कुछ समय तक चलने के बाद जारी रहने के बाद पास्ट में ही खत्म हो गया हो तो उस टेंस को हम क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. मतलब कोई काम है पास्ट में शुरू हुआ है वो कुछ टाइम तक जारी रहा है समय तक चला है और उसके बाद वो पास्ट में ही फिनिश हो गया हो खत्म हो गया हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. जो हमारा वर्ब है एज यूजुअल आएगा उसमें आई एन जी आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर लास्ट में आएगा फॉर सिंस और प्लस टाइम. मतलब कितने समय तक फॉर सिंस कितने समय तक टाइम मतलब फिर लास्ट में आएगा टाइम तो कितने समय तक चला. द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स. जो प्लेयर है कितनी देर तक खेलते रहे कितने घंटे तक खेलते रहे 3 घंटे तक खेलते रहे. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी राइट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड आएगा जो उसके बाद नॉट आता है. नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं तो नॉट कहाँ आएगा हैड के बाद नॉट आएगा फिर बीन आएगा फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आएगा. Example, the baby had not been sleeping for an hour when the dog barked and woke it up. In interrogative sentence, the first part of the verb is put before the subject. जो interrogative sentence है तो जो first part of the verb, जो verb का follow-up, जो helping verb है वो पहले आएगा subject के पहले आएगा. Had क्या होता है helping verb होता है तो had the acrobats been performing for 2 hours before the show got over. Okay? नेक्स्ट यूज ऑफ सीन्स एंड फॉर. सीन्स और फॉर की यूज देखेंगे. सीन्स एंड फॉर आर जनरली यूज विद द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज. सीन्स और फॉर्म हमेशा जनरली किसके साथ यूज किया जाता है सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज किया जाता है. सीन्स इज यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एन एक्शन स्टार्टेड. सीन्स को काय के लिए यूज किया जाता है वो इंडिकेट करता है कि एक पॉइंट का जो हमारा टाइम बताने के लिए कि कब एक्शन स्टार्ट हुआ है. इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द एक्शन कंटिन्यूज टिल द प्रेजेंट मोमेंट. और इससे हमें यह भी चलता है कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट मोमेंट तक कंटिन्यू है. एग्जाम्पल ही हैड बीन स्विमिंग सिंस 6 AM बिफोर ही लेफ्ट द क्लब फॉर होम. फॉर इज यूज टू शो द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन. फॉर का एक लिए यूज किया जाता है एक टाइम पीरियड शो करने के लिए कि कब तक वो एक्शन हुआ है या चला है. द पेशेंट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स. पेशेंट कब से वेट कर रहे हैं 2 आवर्स से वेट कर रहे हैं तो जो एक्शन है वो इट इज हैज बीन गोइंग ऑन अभी तक चल रहा है. द सिंपल पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेज यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तीन टाइप्स के सेंटेंस इसमें 3 फॉर्म्स होते हैं. सेंटेंस के एक पॉजिटिव होता है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सिंपल पास्ट टेंस में का जो पॉजिटिव सेंस टेंस होगा पॉजिटिव सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट. ही एट अ कैंडी. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ही एट अ कैंडी. मतलब सब्जेक्ट होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा है ना. नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्या आ जाएगा डिड नॉट आ जाएगा प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो रूट फॉर्म मतलब जो वर्ब है आपकी वो एज इट इज आ जाएगी लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ही डिड नॉट ईट अ कैंडी. उसने कैंडी नहीं खाई. ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा जो डिड होगा वो डिड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो वर्ब है वो एज इट इज आएगा एंड लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. डिड ही एट अ कैंडी ईट अ कैंडी क्या उसने कैंडी खाई. तो ये तीनों फॉर्म हो गए सिंपल पास्ट टेंस के. नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है स्ट्रक्चर है वो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ही वॉज ईटिंग अ कैंडी. वह कैंडी खा रहा था या खा रही थी. तो ये ईटिंग है यहाँ पे क्या हो गया वर्ब का
बेस फॉर्म आएगा और उसके साथ ing आ जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में ही वॉज ईटिंग अ कैंडी, वह कैंडी खा रही थी। ठीक है, नॉट इज इंसर्टेड बिफोर, नॉट इज इंसर्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। जो फर्स्ट पार्ट है वर्ब का, जैसे वॉज वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो वॉज वर्ब जो फर्स्ट पार्ट होगा वर्ब का, उसके बाद क्या होगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज नॉट ईटिंग अ कैंडी, वह कैंडी नहीं खा रही थी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ, अब बात करेंगे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वर्ब का, जैसे वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो वो कहाँ, हम सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे वॉज, वॉज है और वर है, तो ये कहाँ आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले आएगा। वॉज ही ईटिंग अ कैंडी, क्या वो कैंडी खा रही थी, तो ये क्या हो गया, वॉज यहाँ पे आ गया है सब्जेक्ट के पहले। ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे अब हम, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड होता है प्लस प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ही हैड ईटन अ कैंडी, उसने कैंडी खाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। नॉट इज इंसर्टेड आफ्टर द, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे अब हम पास्ट परफेक्ट में, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नॉट इज इंसर्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा, हैड। हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है वर्ब का, तो हैड को क्या करेंगे, हैड के बाद हम लगाएंगे नॉट। ही हैड नॉट ईटन अ कैंडी, उसने कैंडी नहीं खाई। द ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। आप बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस की बात होगी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वो कहाँ आते हैं, सब्जेक्ट के पहले आते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में डिड है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गया, सॉरी, हमारा सब्जेक्ट के पहले आ गया। वॉज है, तो वॉज भी सब्जेक्ट के पहले आया। अब हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैड है, तो हैड भी कहाँ आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। शॉर्ट फॉर्म्स आर ऑल्सो यू डिड नॉट, जो इसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करते हैं हम, जैसे डिड नॉट है तो हम उसको डिडंट लिख देंगे, वॉज नॉट है तो वॉजेंट लिख देंगे, वर नॉट है तो वरंट लिख देंगे, तो हम इनके शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। नाउ योर लेसन इज कंप्लीट। Thank you and have a nice day.